नमस्कार, मैं हूं विशाल जसोड़ी और आप देख रहे हैं जेके दर्पण। शुरुआत करते हैं आज के समाचारों के साथ। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आज 56,342 तक पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,390 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। हालांकि आज देश भर में 1,273 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मरने वालों की कुल संख्या 1,886 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए हैं, जो सभी कश्मीर से बताए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में आज 29 लोग स्वस्थ होने के बाद घरों को भी भेजे गए। प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या आज 823 तक पहुंच गई है। आज कठुआ की CTM फैक्ट्री में वेतन को लेकर हुए विवाद के बाद सैकड़ों श्रमिकों ने फैक्ट्री के समक्ष प्रदर्शन किया व इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस की गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारी को शांत किया। हमारे कोई दुश्मनी, हम जिस कंपनी में काम करने आए हैं उस कंपनी से हमें पूरी तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह के पीछे पिछले महीना में जब लॉकडाउन लगा था, बंद कर दिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम लोग परदेसी आदमी हैं, हमको मकान मालिक नहीं छोड़ रहा है, हमसे राशन वाला नहीं छोड़ रहा। 3 दिन से हमारा राशन वाला राशन नहीं दे रहा है। 3 बच्चे हैं, उनको क्या खिलाएंगे? और अभी पुलिस वाले को बोले तो गंदा गंदा गाली दे रहा। क्यों दे रहा गाली? ये अपने घर से पैसे देंगे? देखिए, चिनाब टेक्सटाइल मिल एक बहुत बड़ी मिल है। यहाँ पे तकरीबन 6-7 हज़ार प्रवासी मजदूर काम करते हैं। और क्योंकि जो पूरे देश में हालात बने हुए हैं, बहुत हद तक हर जगह मजदूरों की कुछ ना कुछ लेकर मैनेजमेंट के साथ समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ जो मुख्य समस्या थी, इनकी पेमेंट को लेकर थी। जो इनको पेमेंट डाला गया है CTM की तरफ से, इनको लगता है वो नाकाफ़ी है। और इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्टाफ को फुल पेमेंट दिया गया है और हमें जी मज़दूरों का जो पेमेंट है वो आधा कर दिया गया है। प्लस इसके अलावा इनकी एक समस्या है कि अब ये यहाँ रहना नहीं चाहते, ये दोबारा अपने अपने जिलों में जाना चाहते हैं। DC सांबा रोहित खजूरिया ने आज प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन श्रमिकों के लिए सांबा के सिडको चौक, विजयपुर के लिटिल एंजल स्कूल के पास व बड़ी ब्रह्मा में थाने के पास सिडको मैदान में पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण पूरा होने के बाद सरकार के आदेश के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी। है कुछ दिन पहले सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है, उसमें कुछ उन्होंने स्टेट लेवल के जो सीनियर ऑफिसर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के, उनको नोडल ऑफिसर्स लगाया है लेबर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। उसमें 2 किस्म के होंगे, एक जो स्टेट के अंदर से UT के अंदर से जो लोग लेबर बाहर जाएगी और दूसरी जो वहाँ से आ रही है। फिलहाल जो लेबर आ रही है उसके लिए खाली पंजाब और हिमाचल प्रदेश का ही प्रोविज़न था, लेकिन कुछ और लोग भी जो आ रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। जैसे बाहर से लेबर आ रही है, यहाँ भी बहुत सी लेबर है, घबराई हुई है हालात को देखते हुए, कुछ दिक्कतें हैं, वो भी बाहर जाना चाहते हैं। और उस ऑर्डर के आने के बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट ने एक लीड ली है और हमने 3 जो रजिस्ट्रेशन सेंटर काउंटर बना दिए हैं, एक विजयपुर में, एक बड़ी ब्राह्मणा में और सांबा में। SSP सांबा शक्ति पाठक ने आज एक पत्रकार वार्ता कर 3 अलग अलग मामलों में 354 ग्राम हीरोइन व 13 किलो 700 ग्राम भूकी बरामद करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों से ये बरामदगी की गई है। अब देखिए, जो ट्रक्स हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ के हैं, उनको हम सभी को चेक नहीं कर रहे हैं ताकि जो मूवमेंट है वो इफेक्ट ना हो। तो बड़े कोई स्पेसिफिक हमारे पास इनपुट आते हैं, हम उसी के ऊपर ये वाली कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी नज़र है, हमारी टेक्निकल सेल जो है वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान रखती है। और जो यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने पीछे नोट किया होगा कि काफ़ी सारे जो ड्रग पेडलर यहाँ पर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, तो उनके जरिए भी एक चेन चली है कि कौन कहाँ से सप्लाई करता है, तो उनके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। जब भी उनकी मूवमेंट होती है उसको वॉच किया जाता है और लगता है कि सस्पिशियस है तो उसको इंटरसेप्ट करके चेक किया जाता है। रिजल्ट आपके सामने है।